अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। चले अच्छा हो गया। और सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम बता दे अपना। शहरोज नाम है मेरा। शहरोज ठीक है। शहरोज आपका नाम है, करते क्या है आप? मैं जॉब करता हूँ। मैं जॉब करते हैं, एज अ सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव हूँ। जबरदस्त हो गया। और आंटी आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। घर में ही होती हैं? सारा दिन हंडिया रोटी। अच्छा घर में यही काम है बस, हंडिया का और चाय का। और कपड़े धो के सारा दिन मशीन में डाल के फिर उनको अंदर लेके आना और सर्दियों में सुखाना। माओ का यही काम होता है। फिर ये सॉक्स धुल गई है, ये हो गई है, वो हो गया है। हाँ ये सारा दिन यही काम है। और इसके अलावा मुझे डायबिटीज है, मैं वही चेक कराने आई थी। अब उन्होंने मेरे चावल बंद कर दिए। चावल बंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कह रहे आप अब चावल नहीं खाने। हाँ, डायबिटीज के वो मना करते हैं कि चावल। हाँ डायलिसिस से बचना चाहती है। तो मैं कह रही हूँ बस मैं रोटी खाऊंगी, ब्राउन ब्रेड। चलें ये तो आपके लिए क्या कह सकते हैं, ये तो आपके लिए बेहतरी है। थोड़ा जीना चाहती हैं सही, और मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, इनकी खुशियाँ भी देखना चाहती हूँ बच्चों की। सही बात है, फिर तो आपको परहेज करना होगा। वही सोच रही हूँ। क्या लगता है आपको, आंटी नहीं करती हैं? नहीं परहेज नहीं करती, ये खाती बहुत है, चावलों की बहुत शौकीन है। ओ क्यूट, वो कह रही है बोतल ही पीती हूँ बस। अभी बस थोड़ा सा बीमारी की इशू की वजह से हुआ, वरना तो ये बहुत शौकीन है, बोतलें तो ज्यादा पीती है शौक से। जबरदस्त हो गया। और कौन से और क्या चीज पसंद है आपको? और मुझे पसंद है बस ज्यादा बिरयानी और चाइनीज चावल पसंद है मुझे। अच्छा, तो बनाती क्या बनाती है? हाँ पकौड़े, वो अभी मेरे घर में बेसन पड़ा हुआ है, मैं जाके निकालूंगी कड़ी और पकौड़े। अरे जबरदस्त हो गया। वाओ आंटी, तो मुझे लगता है काफी मजे मजे की चीजें बनाती हैं। खा खा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। चले जी, हाँ ये तो अच्छी बात है। क्या और आपको क्या लगता है मम्मा के हाथ का? मामा के हाथ की वैसे बिरयानी भी ज्यादा मजे की है, दाल चावल भी मजे के बना लेती है, और मसर चावल भी और कड़ी भी बड़े मजे की होती है। जबरदस्त हो गया आंटी, आप तो बड़ी एक्सपर्ट हैं। मैं बनाती रहती हूँ, दोस्तों को खिलाती हूँ, फ्रूट चाट भी। अरे वाह, ये तो बहुत बना रहती हूँ घर में। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगा मैं अपनी मामा से बात करी, मेरी मामा भी ऐसी है। खिलाती भी अपनी दोस्तों को भी खिलाती हूँ। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। सर सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये, एक लड़का है मई में पैदा हुआ लेकिन वो अपनी सालगिरह जून में मनाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मई में पैदा हुआ जून में सालगिरह नहीं। आंटी को समझ आई आपको सवाल? पैदा तो मई में हो गया है। हाँ जी। जो डेट भी होगी उसकी जी, लेकिन वो जो अपनी सालगिरह जून में मनाता है ऐसा क्यों? हालांकि अगर फरवरी भी हो तो कह सकते हैं कि भी वो 29 डेज होते हैं और 28 होते हैं, चलो उसका कुछ 4 साल बस आ पाता है। ये मई में पैदा हो कि तो ये जून में कैसे आ सकता है कि एक महीने का वो चीला निकाल के निकल लेता है। अरे जबरदस्त आंटी ने बात ही खत्म कर दी है। कैसे पूरा कर लेता होगा अभी जून में महीने को? तो वहां से शुरू कर लेता है। चल नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं, लेकिन आपने जवाब बहुत अच्छा, आपने जवाब दिए। सर कोई नहीं, आपको भी आइडिया नहीं? नो आइडिया मुझे इस टाइम। चले जी कोई आइडिया नहीं। और इसके अलावा क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ, कुछ भी मम्मा? अच्छा मुझे आपने कोई ऐसी बात आपने हमें बतानी है जो कभी आज तक आपने पहले अपनी मदर से ना किया हो और आपको कभी हेजिटेशन फील होती हो, तो आप अब हम आपको मौका देते हैं, आप अपनी मामा से ये बात कह सकते हैं। ये ऐसा था कि जिस तरह मैं अपना स्टडी वगैरह करता था तो उस टाइम मुझे अपना इश्यूज हुआ कि मेरी स्टडीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी, तो वो अपनी मम्मी से मैं नहीं शेयर करता था कि किस तरह इन लोगों को बताऊं कि मेरा यानी कि रिजल्ट वगैरह अच्छा नहीं आता, तो छोड़ दिया था, तो बस उसी का होता था। तो माशाल्लाह से मैंने उसको दोबारा अब क्लियर अप किया है और अपनी MS वगैरह क्लियर किया और न्यू जॉब वगैरह कर रहा हूँ बस इस वजह से। ये बात जो कभी पहले आपने मामा को नहीं बताई थी? बताई थी, ये झटकियाँ भी खाई थी, बड़े पैसे जाया कराए, तुम इतने पैसे जाया करा दिए। अब खुद पढ़ के खुद कर रहा है, जॉब भी कर रहा है और अपनी फीस भी खुद देता है। ये तो अच्छी बात होगी। अब आपको अंदाजा होता होगा कितनी तकलीफ होती है। हाँ जी हाँ जी ऐसे ही है। तो माँ का जब बंदा पढ़ता है ना फिर पता चलता है। जाहिर है फिर सैलरी के साथ इसको भी देखना पड़ता है, जब एक्स्ट्रा जाते हैं उससे बंदा कहता है पहले ही निकल लिया था। मुझे भी देता है, ये तो और अच्छी बात। मैं इससे दबा के लेती, दो खर्चा दो, मैंने भी तुम्हें इतना खिलाया। हाँ जबरदस्त, अब तो बनता है भाई, अब तो डबल बनता है बल्कि। हाँ बनता है अल्लाह मियां। और आंटी कोई रेसिपी शेयर करते हैं आप हमारी ऑडियंस के साथ, वो हो सकता है आपकी रेसिपी घर में ट्राई करें और आपको दुआएं दें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम रशियन सैलड बना लेते हैं, बहुत अच्छी, उसमें जैसे सेब होते हैं और एप्पल यानी और आलू थोड़े से और मटर बॉइल, और इसके अलावा वो ले सकते हैं आप केले और अनार और अंगूर, और वो फिर जो क्रीम मिलती है और की ले लें या फिर
की ले लें, उसको मैश करके फिर उसके अंदर प्लस थोड़ा सा नमक, प्लस थोड़ी सी वो दूध, प्लस थोड़ी सी काली मिर्च, इन सबको मैश करके फिर सारा फल सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के ना, फिर वो बड़ी खूबसूरत इसी ग्रेवी में आती है। और उसके अंदर आप थोड़ा सा ये सैलड पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। सब आप जैसे बता रही हैं मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया। ये मदद करती है, बहुत ही टेस्टी। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छा लगा। इस्तेमाल होती है और चाट के तौर पर भी होती है इस्तेमाल। जबरदस्त हो गया जी भाई, ये जरूर हमारे ऑडियंस आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे। और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से बात करके। और भाई देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सी आंटी भाई हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी मजे की उन्होंने बातें की है। आई होप आपने भी उनकी बातें एंजॉय किया होगा, मुझे लगा ही नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी मदर से ही बातें कर रही हूँ। और मेरी मम्मा भी बहुत ऐसी ही हंसमुख है, और अच्छा लगता है जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, वो आपको प्यार देते हैं और आपसे बातें करते हैं और अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और जब लोग आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे होते हैं और जब आप भी सुनते हैं तो यकीनन आपको भी अच्छा लगता है। और ये तो हर एक घर की कहानी आप कह सकते हैं, और हर घर में ऐसी बातें होती हैं और अच्छा लगता है।